में अपने साथ हमारे इस लोकसभा चुनाव में 230 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जिस विधानसभा से जीते हमारे माननीय विधायक श्री मधुकर वर्मा जी को भी लेकर के आया हूँ, जिनने 1,86,000 का रिकॉर्ड बनाया है उनकी अपनी विधानसभा से। एक हर संभाग से एक एक आदमी को हमने लिया। वैसे तो सभी विधायक आए हैं, लेकिन ये माननीय मोदी जी के लिए विशेष आनर है कि हमारे अपने संभागों के अंदर जिनकी हाईएस्ट लीड है उनको हम साथ ले जा रहे हैं। सर, दो प्रदेश लोग जो है कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य जी, मध्य प्रदेश से, क्या कहेंगे सर? अब मेरे को तो कुछ कहना नहीं, लेकिन आप मोदी जी को जानते नहीं हो, मैं तो जानता हूँ, जो जो शपथ ले ले तब मैं मानूँ। देखिए, पहले से ही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी इतिहास रचेंगे और उन्होंने इतिहास रच दिया है। सर, और कुछ लोग हालांकि ये कह रहे हैं कि जो सरकार है ये बैसाखी वाली सरकार है, कभी भी कुछ हो सकता है। अब उनको क्या कहा जाए? आप सोचिए कि जो सारे लोग मिल करके बीजेपी के बराबर नहीं आ पाए वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो जाने दीजिए। वो तो हार के बाद उनका थोड़ा मानसिक संतुलन खराब होगा, करने दीजिए। मुझे लगता है कि जब हम एक बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं तो ही हम सफलता पाते हैं, और निश्चित रूप से हम लोगों ने एक बड़ा लक्ष्य लेके चला था तभी ये सफलता हाथ लगी है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से बधाई कि आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं, और देश की जनता को बधाई कि फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए देश की जनता ने मौका दिया। क्या कॉल आया सर आपको? अब इसका इंतजार करिए, ऐसा नहीं है। इसका इंतजार करिए, इतना जल्दी थोड़ी होता है कोई चीज। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से, बिहार के 15 करोड़ जनता की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयास के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला और मेरे जैसे छोटे आदमी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देकर जो सम्मान दिया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, प्रधानमंत्री जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति।